ये सारे अल्फाज मिठास की निशानी है।
हिंदू जबान में शीरीनी और सुपुर्दगी के जो अल्फाज पाए जाते हैं बहुत कम मादरी जबानों में पाए जाते हैं। मैंने अपने बचपन में और बाद के दिनों में हमेशा पिशावर शहर की खवातीन को ये कहते हुए सुना, तेरे कुर्बान तेरे सत्य माँ बारी माँ कुर्बान, और उसके साथ बेशुमार दुआया करमार। तो ये एक सकाफत है जो हमारे घरों में है, इससे हम आजकल की माएँ ये नहीं कहती हैं। बड़ी बहन के लिए बीगुल शाहगुल बीबीगुल के अल्फाज के इस्तेमाल उनके अपने असली नाम को कहीं पीछे छुपा देते हैं। बीजान माँ के लिए नानी या दादी के लिए बोला जाता था, हम अपनी खाला फूफी चाची के असली नाम के सर बी लगा लेते थे। जैसे मगर में किसी खातून टीचर या जवान या बुजुर्ग को अपने असल नाम से हमेशा पुकारा जाता है या उसके साथ ज़्यादा ज़्यादा मिस या मैडम लगा दिया जाता है। इस तरह मैं हमेशा अपनी खाला को भी जहरा भी आजाए भी लाली कहकर पुकारती थी। एहतराम और पहचान में इनको जबान की मिठास सदियों तक से कायम होता ही चली आ रही है। इसी तरह अगर किसी मामले में पेशावी राजी नहीं है इनकार करना चाहते हैं तब भी जी का ही लफ्ज इस्तेमाल होता है ना, जी ना ये नहीं हो सकता जी, कोई गल नहीं जी, खैर हो सी जी, जैसे अल्फाज अपने मुहज़्ज़ब पन और शीरीनी को बरकरार रखते हैं। या मैं कनाडा का जिक्र जरूर करूंगी चूंकि मैं खासतौर से वहीं से आई हूँ कि दुनिया की जितनी भी दुनिया जितनी भी बड़ी कौम हैं उन्होंने तरक्की का राज ये नहीं गा कि उन्होंने बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी आ गई, उन्होंने तरक्की का राज ये नहीं कि उन्होंने अपनी टेक्नोलॉजी को अपने बच्चों को अपनी जबान ही बोलते थे। स्कूल जो मैंने अपनी जबान मैंने स्कूल में पढ़ाई थी, दुनिया की हर टेक्नोलॉजी साइंस डॉक्टर ये वो जितने भी बड़े बड़े होते हैं उन्होंने सब में स्कूल में अपनी जबान मुंतखब की थी। यही कि अंग्रेजा ने कि चीनी जबान में साइंस पढ़ाओ या जापान में टेक्नोलॉजी बड़ी तरक्की कर गई तो जापानी कुछ साइंस पढ़ाओ, बिल्कुल नहीं। इस तरह मैं कैनेडा ट्रेन में बड़ी हैरान हुई हूँ, तो सी पी कर सो में कारखाने भी कम होते हैं और भी जितने भी उनके और जगह होंगे कितना, और मैं चादर लेके कम कर रही हूँ। मैंने कहती किसी अंग्रेज ने की किया कि बीबी तू चादर लेके क्यों कम कर रही, वो अब तहजीबा था तो जबाना था वो लोग बहुत एहतराम कर रहे हैं। उन्होंने किसी भी लाइब्रेरी तो चले जाओ कैनेडा कर रही हूँ, एक अलग पोर्शन उर्दू का पश्तो का हिंदी का दुनिया की हर जबान, इस तरह की दुनिया की हर कौम कैनेडा में मौजूद है। तुसी बस ही बैठते हो, तुसी सड़क पे चल रहे हो, तुसी किसी कारखाने में काम कर रहे हो, तुसी स्कूली बच्चे देखो रंग बिरंगी कोई सिक्के किसी बच्चे ने पगड़ी बंधी हुई है, किसी बच्चे ने माथे पे टीका लगाए है, किसी बच्चे ने स्कार्फ पाए है, किसी बच्ची ने स्कार्फ पाए है, मतलब ये कि वो लोग बहुत ज़्यादा प्रमोट कर रहे हैं, उन्होंने जबान की पाबंदी नहीं लगाई बल्कि वाले इस चीज़ से जोर दे रहे हैं कि तुम अपने बच्चों अपनी मदर टंग बोलो अपनी मादरी जबान बोलो, अंग्रेजी को तुम साढ़े तक छोड़ दो, अंग्रेजी असी आप सिखा सी। उस बाद उ हर जबान का रेडियो स्टेशन मौजूद है, अदीक सदीकी साहब भी इसी इतफाक कर सन, शायद अमेरिकन भी हो मालूम होंगी, लेकिन कैनेडा तुसी एक एक घंटे का एफएम दुनिया की हर जबान ही सुन, बंगाली हो हिंदी हो किसी खान जबान ये उर्दू की पश्तो शायद हिंको नहीं मिले उ देखी और कोशिश कर सकें मैं हिंको का कोई एफएम चैनल पुछ। इसी तरह उस जबाना के बीच कंसर्ट होंगे पश्तो के कंसर्ट होंगे, आशा भोसले आ जाएंगे, लता मंगेशकर आ जाएंगे, बॉलीवुड के फनकार आ जाते यही उन्होंने गोरमेंट को कभी भी एतराज नहीं होया कि भाई और मुल्क के लोग आके इतने क्यों नचते गाते ये क्यों अपनी जबाना प्रमोट कर रहे हैं ये क्यों साड़ियाँ लाइब्रेरी सारी किताबा रखी हैं, बहुत खुश होते और बड़े फखर नाल कहते कि असि मल्टी कल्चरल मुल्क। इतने उन्होंने प्रेजिडेंट इलेक्ट हो जस्टिन साहब को बाकायदा हिंदुआ नाल सिखा नाल डांस कर रहे हैं और इस चीज़ से फख्र महसूस कर रहे हैं कि मैं उस कौम का ताल्लुक रखना जिसकी दुनिया पूरी आके
ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਬੜੇ ਸਕੂਨ ਨਾਲ ਬੜੇ ਮਿਲ ਜੁਲ ਕੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੇ ਉਸਤੇ ਕਾਬਲੇ ਨਸੀਹਤ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਬਸ ਅਸੀਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਮੁਤਾਸਿਰ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਬੜੀ ਜ਼ਬਾਨ ਬੋਲਣੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਮੁਤਾਸਿਰ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਿਖਾਉਂਦੀਆਂ ਕਿ ਜ਼ਬਾਨ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮੁਕੱਦਮ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਉਸਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕੋਈ ਅਹਿਸਾਸ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਜੀ ਮੈਂ ਇਨਕੋ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹਾਂ ਮੇਰੀ ਤਾਲੀਮ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਆ ਮੇਰੇ ਕੋਈ ਖਾਣੇ ਪੀਣੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਆ ਗਿਆ ਅਗਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਬੋਲ ਸਕਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈ ਸੀ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਿਵਾਏ ਇਸਦੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਫਾਇਦੇ ਹੀ ਫਾਇਦੇ ਹੋ ਸਕਣ ਪਠਾਣਾ ਦੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੰਨਦੀ ਹਾਂ ਔਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਬਿਲ ਤਾਰੀਫ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਚਾਹੇ ਉਹਨਾਂ ਤਾਸਬ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਛ ਹੈ ਸਭ ਕੁਛ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਅਫਰੀਨ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਚ ਹੋਣ ਕਿ ਉਹ ਪਿਸ਼ਾਵਰੀ ਚ ਹੋਣ ਕਿ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਖਿੱਤੇ ਚ ਹੋਣ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਪਸ਼ਤੋ ਬੋਲ ਮੇਰੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਸੇ ਤਾਲੀਆਂ ਬੋਲ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਨਸੀਹਤ ਇਹ ਵੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਜ਼ਬਾਨ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਸਾਡੇ ਸੇ ਕਾਬਲੇ ਇਤਰਾਮ ਪਸ਼ਤੋ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸੇ ਬਹੁਤ ਕਾਬਲੇ ਇਤਰਾਮ ਹੈ ਹਰ ਜ਼ਬਾਨ ਸਾਡੇ ਸੇ ਕਾਬਲੇ ਇਤਰਾਮ ਹੈ ਹਾਂ ਅਲਬਤਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ਬਾਨ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਸੀਂ ਮਾਣ ਕਰੋ ਫਖਰ ਕਰੋ ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰੋ ਔਰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਤਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਫਸਾਨੇ ਲਿਖੋ ਔਰ ਉਸੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖੋ ਔਰ ਉਸੇ ਰਿਸਰਚ ਕਰੋ ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਬਸ ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਇਨਕੋ ਬੋਲੋ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਕਾਲਜ ਇਨਕੋ ਬੋਲਸੋ ਤੇ ਫਿਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਬਾਨ ਨੂੰ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਉਸਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਅਹਿਦ ਕਰ ਲਓ ਕਿ ਭਾਈ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਇਨਕੋ ਬੋਲਣੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਉਰਦੂ ਪਸ਼ਤੋ ਇਟਲੀ ਰੋਮਾਨੀ ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਸਿੱਖ ਰਹੀ ਸੀ ਔਰ ਜ਼ਰੂਰ ਸਿੱਖਦਾ ਹੈ ਅੱਜ ਦਾ ਬੱਚਾ ਬਹੁਤ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਹੈ ਮੇਰੀ ਤੇ ਸਵਾਡੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਹੀਨ ਬੱਚੇ ਨੇ ਇਹਦਾ ਮੇਰੇ ਹਾਲੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਕਤ ਲੈ ਲਿੱਤਾ ਸੀ ਔਰ ਦੀਦੀ ਨੂੰ ਕਿ ਆਇਆ 5 ਮਿੰਟ ਬੋਲਣਾ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਂਦੀ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਰੇਡੀਓ ਦੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਔਰ ਗੰਡਾਰਾ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬੋਲ ਦਾ ਇਸ ਉਸਤੇ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੇਡੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਇੱਜ਼ਤ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ ਔਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗੇ ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ